हेलो एवरी वन नेम ने सलमान एंड हेलो टू ऑल माई यंग फ्रेंड्स हु आर इन इंटरमीडिएट एंड आर वॉचिंग दिस वीडियो तो बच्चों ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आप ही लोगों के लिए क्रिएट किया है ताकि आपके फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट में इशूज़ आते हैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके सो टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीस तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शुरू के चैप्टर्स में है लोकस के बाद जनरली ये आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझकर या थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है समझ के छोड़ देते हैं बट ऐसा नहीं है दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई टेल यू वाई तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीज किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदल जाना ट्रांसफॉर्म हो जाना मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त बचपन का जिसको आपने बचपन में देखा वो एकदम आपके सामने आए बचपन में वो बहुत दुबला पतला था अब वो मोटा हो जाए तो आप क्या कहिएगा अरे यार तू तो बिल्कुल बदल गया इतना दुबला पतला था अब इतना मोटा हो गया यानी तू पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया तो ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज का तो यहाँ पर एक्सिस एक्सिस है एक्सिस की प्लूरल हम देखते हैं ना एक्स एक्सिस ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है y एक्सिस तो इन दोनों को मिला के एक्सिस का प्लूरल इसे कहते हैं एक्सिस तो पूरा का पूरा सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देना इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस तो एक्सिस तीन तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं पहला ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस यानी कि अगर एक्सिस को अपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरा एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन तो ये तीन तरीके से हम एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब एक्सिस की पोजीशन चेंज होगी तो क्या क्या होगा पहले तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे पुराने एक्सिस के हिसाब से किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट हैं तो एविडेंट है कि नए एक्सिस के हिसाब से बदल जाएंगे और सेम इज़ ट्रू फॉर इक्वेशन ऑफ कर्व आल्सो भाई पुराने एक्सिस के हिसाब से एक इक्वेशन एक है नए एक्सिस के हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगी तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो है कि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी एडवांटेजियस होता है कुछ प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने में ये काम आता है तो हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन होगा उसके बाद फिर हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे कि ट्रांसलेशन होने के बाद एक्सीज़ के चेंज होने के बाद कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे इक्वेशन कैसे चेंज होंगी उसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को आसान करा जा सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की ट्रांसलेशन ऑफ एक्सीस हमने कहा था कब होता है जब एक्सिस को अपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए जैसे ये है हमारा एक्स और वाई एक्सिस और ये हमारा है ओरिजिन अब अगर इसको अपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए इसका मतलब ये नया एक्सिस हो गया मान लो एच के पे अगर हम इसका ओरिजिन एच और के पे शिफ्ट कर दिया हमने तो ये के हो जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा ओके सो द ओरिजन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम ओ टू ओ डैश डेट इज एच के दूसरा है रोटेशन रोटेशन में क्या होता है कि ओरिजन तो हमने नहीं शिफ्ट किया अगर खाली रोटेशन करेंगे ये हमारा एक्सेस है इसको हमने थी एंगल से रोटेट कर दिया तो दिस इज इस रोटेशन इसके अंदर ओरिजिन जो है वो वहीं का वहीं है तीसरा है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन वही तो एक्सीस था और अब जो नया एक्सीस है वो इस तरह से आ गया एक्स और वाई तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है इसको हमने ट्रांसलेशन भी किया है और रोटेशन यानी इसके इस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को दो चीजों में तोड़ लेंगे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पहले इसका ट्रांसलेशन और प्लस उसका रोटेशन अब मैं आपको दिखे एनीमेशन से दिखाता हूँ कैसे पहले हमारे इसका ट्रांसलेशन किया उसके बाद हमने इसको रोटेट कर दिया ठीक तो ये तीन तरह से हम एक्सीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड केस हम नहीं आज लेंगे हम सिर्फ ट्रांसलेशन को लेंगे अब जब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सीस होगा तो क्या क्या होगा मान लीजिए ये एक्सीस हमारा है और हमने इसमें कोई पॉइंट है पी एक्स वाई इस एक्सीस के हिसाब से कोई भी पी है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं. तो ये होगा हमारा एक्स और ये होगा हमारा वाई अब हमने शिफ्ट कर दिया ओरिजन ये जो रेड कलर का दिखाया है, नया तो एक्सिस को शिफ्ट कर दिया तो ओरिजन ओ से ओ डैश पर आ गया अब आप देखिए अब जो इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश होंगे तो ये जो है एक्स डैश होगा यहाँ से यहाँ तक और ये जो है वो वाई डैश होगा ठीक सो so, अगर हमने इसका ओरिजिन ट्रांसलेशन से एच के पे शिफ्ट किया है तो ये एच हो जाएगा और यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा के राइट सो दिस विल बी आवर के और नए कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स डैश वाई डैश है तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश आई होप दिस इज़ क्लियर दिस इज़ वेरी सिंपल अब आप देखिए x और x डैश में क्या रिलेशन है x और y पुराने कोऑर्डिनेट x डैश y डैश नए कोऑर्डिनेट और जो ओरिजन को शिफ्ट किया गया वो एच के से यानी ज़ीरो ज़ीरो से हम एच के पर लेके आ गए तो ये x जो है ये H और x डैश के जोड़ के बराबर है आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक H और यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर हो गया एक्स डैश प्लस एच राइट और वाई इसी तरह से वाई जो है वाई डैश और के के जोड़ के बराबर होगा तो वाई बराबर वाई डैश प्लस के आई होप इज क्लियर सो व रिटन दिस थिंग तो अगर हमें नए कोऑर्डिनेट निकालना है तो x- डैश बराबर हो जाएगा x- माइनस एच और y- डैश बराबर हो जाएगा y- माइनस के दिस इज वेरी सिंपल तो कोऑर्डिनेट P के पहले थे एक्स वाई और अब हो गया x डैश वाई डैश यानी x माइनस एच वाई माइनस के एक तो ये याद रखिए दूसरा जो इक्वेशन है किसी भी कोई भी इक्वेशन मान लीजिए x प्लस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू तो जीरो इसको हम लिखेंगे एफ एक्स वाई यानी x और y के अंदर एक रिलेशन है या मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसको भी हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स और वाई के अंदर रिलेशन ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स और वाई की जगह हम एक्स जो है एक्स डैश प्लस एच और वाई बराबर वाई डैश प्लस के रख देंगे इक्वेशन में ठीक है तो ये दो रिजल्ट आप याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन के केस में रोटेशन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अब हम इस पर दो क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए अब वो कह रहा है कि ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस यानी ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है यानी एच और के जो है हमारा वो बराबर है माइनस टू और थ्री फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जो है वो है वन और टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन टू यानी एक्स वाई जो है वन टू है तो हमको क्या निकालने लें एक्स डैश और वाई डैश तो आपको मालूम है कि x बराबर x डैश प्लस एच और y बराबर y डैश प्लस के इसका मतलब हुआ एक्स डैश बराबर हो गया x माइनस एच तो यहाँ पर h है माइनस टू ठीक है x माइनस एच और x है वन तो वन माइनस माइनस टू बराबर हो गया थ्री एंड y डैश बराबर हो गया y माइनस के वाई है थ्री माइनस के है टू तो वन तो नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश हमारा हो जाएगा कितना थ्री एंड वन थ्री और सॉरी वाई माइनस के तो वाई है हमारा टू माइनस थ्री हमने गलत लिख दिया इसको हम करेक्ट कर देते हैं y है टू माइनस थ्री सो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस वन माइनस वन ठीक सो दिस इज द आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि when origin is shifted to 3 4 by translation of axis find the transformed equation of 2x square plus 4xy plus 5y square is equal to zero. इसकी equation आप निकालें, ठीक? तो अब हम इसकी equation निकालते हैं. देखिए हमने क्या कहा था? f xy is equal to zero. ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ एक्स की जगह क्या होगा एक्स डैश प्लस एच और वाई डैश प्लस के तो यहां क्या करेंगे हम टू एक्स डैश प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स डैश प्लस थ्री वाई डैश प्लस फोर प्लस फाइव वाई डैश प्लस फोर का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर टू अब एक्स डैश वाई डैश को आप एक्स वाई लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस एट वाई प्लस सिक्सटीन दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वा प्लस यहाँ पर हो गया सिक्स टूजा ट्वेल्व एक्स और यहाँ पर सिक्सटीन एक्स प्लस आपका ट्वेल्व वाई प्लस फोर्टी वाई प्लस फोर एक्स वाई plus eighteen nine twos eighteen, plus forty eight, plus eighty is equal to zero. That means two x square plus five y square plus twenty eight x plus fifty two y plus फोर एक्स वाई और प्लस वन फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन हो गई ठीक देखें इसका जवाब क्या है ठीक है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस ट्वेंटी एट एक्स प्लस फिफ्टी टू आई प्लस वन फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड द इक्वेशन चेंज्ड इक्वेशन ठीक अब हम एडवांटेज जानेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को कभी कभी हम यूज करके कैसे प्रॉब्लम को आसान कर लेते हैं सो so, वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड वॉट आर द एडवाटेज ऑफ एक्सीस ट्रांसफॉर्मेशन एडवांटेजेस बहुत से हैं लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि देखिए इसने ट्रांसफॉर्मेशन से करने से क्वेश्चन आसान हो गया और बग़ैर ट्रांसफॉर्मेशन के थोड़ी सी ज़्यादा स्टेप्स थी तो लेकिन इसके एडवांटेज देखने से पहले एक फॉर्मूला है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन ऑन ए स्ट्रेट लाइन का है उसको हम रिकॉल करते हैं देखिए ओरिजन से अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाए यानी ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो ओरिजन से डाले हुए परपेंडिकुलर की लेंथ यानी ये अगर परपेंडिकुलर डाला जाए इसकी लेंथ पी पी जो है बराबर होती है मॉड ऑफ सी यानी सी की न्यूमेरिकल वैल्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आप याद रखिए ओरिजिन से अगर हम डालेंगे परपेंडिकुलर तो दैट विल बी मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस यू शुड ओनली रिमेंबर बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि परपेंडिकुलर लेंथ वन वन से लाइन थ्री एक्स प्लस सिक्स फाइव इज ईक्ल टू ट्वेल्व पर निकालिए यानी ये लाइन है हमारी थ्री एक्स प्लस सिक्स फाइव इज ईक्ल टू ट्वेल्व और ये पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वन वन और यहाँ से डाले हुए परपेंडिकुलर की लेंथ अगर ये के है तो हमको के की वैल्यू निकालनी है अभी हमने एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट बताया था उसमें ओरिजिन से हमें मालूम है फॉर्मूला लेकिन किसी दूसरे पॉइंट से क्या होगी ये हमको नहीं मालूम तो इसके अंदर अगर हम अपने कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे हम हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ए निकालेंगे ए और बी इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ठीक है फाइंड ए एंड बी पहली स्टेप इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए उसके बाद ए बी की लेंथ निकाल लेंगे हम जब हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल आएंगे तो ए बी की लेंथ निकल आएंगे उसके बाद ट्रायंगल पी ए बी ये बराबर होगा हाफ इंटू ए बी की लेंथ इंटू के ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा ठीक है यानी ये दो मेथड से निकालेंगे पहला तो हमारा ये मेथड हो गया हाफ बेस इंटू हाइट हाफ ए बी इंटू के और दूसरा मेथड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू का मॉड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ये चूंकि देखिए हमें इसके भी कोऑर्डिनेट मालूम है इसके भी मालूम है इसके भी मालूम है तो दो तरह से हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एक ये एक ये। इस वाले में के है अब हम ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वेट कर देंगे और हम के की वैल्यू निकाल देंगे तो देखिए कितनी स्टेप्स हो गई ए, ए बी को निकाला ए और बी को निकाला फिर ए बी की लेंथ निकाली फिर ट्रायंगल को एक तरह से निकाला फिर दूसरी तरह से निकाला फिर इक्वेट करके हमने k की वैल्यू को निकाला तो अब हम इस मेथड से इसको पहले सॉल्व करते हैं देखिए सबसे पहले हमें a और b को निकालना है तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को रखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन की फॉर्म में ठीक है इसका मतलब है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू वन तो ये फोर ज़ीरो और ज़ीरो टू हो जाएगा ठीक है तो हमने देखिए ये निकाले पहले फोर ज़ीरो ज़ीरो टू उसके बाद अब हम क्या करेंगे अब हम लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर है अंडर रूट फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन प्लस फोर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेंटी विच इज इक्वल टू टू रूट फाइव तो ए बी इज इक्वल टू टू रूट फाइव लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू टू रूट फाइव तो हमारा ट्राइंगल पी ए बी बराबर होगा हाफ इं टू ए बी इं टू के और ये बराबर होगा हाफ इंटू टू रूट फाइव इंटू के तो ये बराबर हो गया के रूट फाइव राइट अब दूसरा जो मेथड है ट्रायंगल के निकालने का एरिया वो है ट्रायंगल पी ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ वन एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री यानी ज़ीरो माइनस टू प्लस एक्स टू फोर टू माइनस वन प्लस एक्स थ्री ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा हमें कुछ नहीं करना है बराबर हो जाएगा हाफ मॉड ये होगा माइनस टू प्लस फोर ये बराबर हो जाएगा मॉट टू अपॉइंट टू दिस इज इक्वल टू टू अपॉइंट टू विच इज इक्वल टू वन ना ये दोनों ट्राइंगल तो एक ही हैं तो इसको वन के इक्वेट करो तो दिस इंप्लाइज दैट के रूट फाइव इज इक्वल टू वन विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू वन अपॉन रूट फाइव तो के की वैल्यू हमारी यानी परपेंडिकुलर की आ गई वन अपॉन रूट फाइव अब हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन आसान होता है कि नहीं अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करें सवाल ये होता है तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए आई थिंक यू गॉट इट करेक्ट हम औरिजन को पी पे शिफ्ट कर देंगे और जब हम ओरिजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक्ससीज को ट्रांसफॉर्मेशन से ये यह हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे ये एक्स और ये वाई और ओरिजन से हमें फॉर्मूला मालूम है लेकिन जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी वो हमने अभी करके दिखाया था सो इफ वी शिफ्ट ओरिजिन टू वन वन द चेंज इक्वेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व विल भी क्या होगी थ्री एक्स प्लस एच वन प्लस सिक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेल्व दैट मीन्स थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज एक टू जीरो की फॉर्म आ गई और आपको मालूम है इस पर डाले गए परपेंडिकुलर क्या लेंथ क्या होती है मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर C है माइनस थ्री उसका मॉड हो जाएगा थ्री अपॉन अंडर रूट ए है यहाँ थ्री तो थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सो इज इक्ल टू थ्री अपॉन अंडर रूट फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव होता है नाइन इंटू फाइव नाइन का अंडर रूट थ्री थ्री अपॉन थ्री रूट फाइव विच इज़ इक्ल टू वन अपॉन रूट फाइव मैंने थोड़ा सा स्टेप समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया वरना ये एक या दो स्टेप्स में सीधा इसका जवाब निकल आएगा तो आपने देखा कि इसने कितना इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से ये कितना आसान हो गया और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है देयर कैन बी मैनी मनी एग्जांपल्स लाइक दिस तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में बस इतना ही होप आपको समझ में आया और आपने अप्रिशिएट किया कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को आसान कर देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे